हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखाते आया हूँ किस किस तरीके से अलग अलग तरह की मशीनों का काम मार्केट में है, किस किस तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या आप बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, इस बार मैं पुरानी ही चीज़ों को रिपीट नहीं करके कुछ नई चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ जैसे पहले किसी को प्लांट लगाने पड़ते थे, जैसे वो डिस्पोजल का लगा रहा है उसको एक अलग प्लांट चाहिए था, स्लीपर का एक अलग प्लांट चाहिए था, कोई स्क्रबर जूने का काम कर रहा है उसके लिए अलग प्लांट चाहिए था। दोस्तों, इस टाइम पे मार्केट में एक मशीन ऐसी आई है, मैंने इस मशीन को डिजाइन किया है, हाइड्रोलिक प्रेस बेस्ड मशीन है। इस हाइड्रोलिक प्रेस बेस्ड मशीन में क्या है, आपकी तीन चीज़ें एक साथ मिलेंगी, तीन चीज़ें आपकी एक साथ बनती है। वो तीन चीज़ें क्या है, जैसे आप इस मशीन में एक तो आप डिस्पोजल बना सकते हो, किसी भी तरह का पेपर प्लेट दोना थाली कुछ भी बन जाएगा डिस्पोजल। दूसरा, आपको इसमें आप किसी भी तरह की हवाई चप्पल बना सकते हो, स्लीपर का सारा काम हो जाएगा। तीसरा, इस मशीन में आप स्क्रबर जो घरों में बर्तन साफ करने का स्टील जूना होता है, उस स्टील जूने की पैकिंग भी इसी मशीन में होगी। तो दोस्तों, तीन काम करने वाली मशीन, एक तीनों काम एक मशीन करेगी, वो मशीन है ये। इस मशीन में आप देखेंगे कि काफ़ी लंबी मशीन है, इसके लिए क्या है कि इसमें प्रोडक्शन का भी बहुत ध्यान रखा गया है, जिस कारण से मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन अगर आप देखें। सबसे पहले मैं इस मशीन में बात करूंगा कि डिस्पोजल आइटम कैसे बनता है, डिस्पोजल का पार्ट आपको बना के दिखाऊंगा। डिस्पोजल बनाने के बाद मैं डिस्पोजल की डाई को बदल के इसकी जगह पे हवाई चप्पल की डाई रखूंगा, उस डाई से आपको यह दिखाऊंगा कि मशीन में हवाई चप्पल कैसे बनते हैं। हवाई चप्पल की डाई को बदल के फिर मैं आपको जूने वाली डाई लगा के दिखाऊंगा जिसमें आप स्टील जूना बना सकते हैं, स्टील जूना पैक कर सकते हैं, फिर वो प्रोसेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, तीन की तीन जो चीज़ें हैं, तीन की तीन प्रोडक्ट बनाने वाली वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए आपके लिए एक बेनिफिट का सौदा है इस मशीन को लेने से पहले। दोस्तों, बात कर लेते हैं जल्दी से, आप पहले मशीन को देख लो। इस मशीन में पूरा इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि इसमें एक साथ चार रोल लगते हैं। आप देखेंगे एक रोल इधर लगता है, दूसरा रोल ये है, जैसे मैंने दो थाली के लगा रखे, दो रोल की जगह अभी भी खाली है, तो एक साथ आप चारों रोल इस मशीन में लगा सकते हो, तो आपका प्रोडक्शन चार गुना बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो ये मशीन एक घंटे में किसी भी प्रोडक्ट को अगर निकालती है तो उस प्रोडक्ट को ये 2500 निकालती है। 2500 अगर एक बार में निकाल लिया तो अगर आपने चार रोल लगा दिए तो ये 10000 पीस आपके एक घंटे में निकाल देगी। तो प्रोडक्शन को हाई करने के लिए हमने इसकी एफिशिएंसी ऐसी बना दी है, इसका प्रेशर ऐसा सेट कर रखा है कि आप इसमें एक साथ चार रोल चला सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा क्या था, जैसे पहले मार्केट में सिल्वर के प्रोडक्ट चलते थे, सिल्वर में जैसे आपने देखे होंगे सिल्वर के जैसे दोना प्लेट थाली आता था, उसका टाइम अब गया मार्केट में, वो बैन होने की वजह से सिल्वर के प्रोडक्ट इस टाइम पे है नहीं। तो इस टाइम में जो भी प्रोडक्ट आ रखे हैं वो इस तरह के माइका के प्रोडक्ट है। ये माइका के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कलरफुल प्रोडक्ट आप देखेंगे, ये इस तरह के कलरफुल प्रोडक्ट है, आप इसमें थाली बना सकते हैं, प्लेट ये देखिए भारी थाली रहती है, प्रोडक्ट भी आपका बहुत हैवी रहेगा, आप देखेंगे कि पकड़ के इसमें आराम से खा सकते हैं, इसे बफर प्लेट सिस्टम कहते हैं। और इसी के मुकाबले जो पहले सिल्वर की आइटम आती थी, सिल्वर की प्लेट में क्या होता था, सिल्वर के प्रोडक्ट जैसे सिल्वर का है तो बहुत लूज होता था, आप देखेंगे आराम से पिचक जाएगा ये, तो ये लूज होने के कारण मार्केट में ये प्रोडक्ट चल नहीं पाया, तो ये फेल हुआ। तो बहुत सारे लोगों के पास इसकी मशीनें पहले से हैं, तो वो मशीन इस टाइम पे खराब हो चुकी है। अगर आप डिस्पोजल का काम शुरू करने की सोच रहे हो तो आप ये मशीन शुरू कीजिए, इस मशीन में आपके माइका के सारे प्रोडक्ट, इस तरह के आपके सारे प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें आप इस तरह की थालियां बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी खूबसूरत थालियां, प्लेट दोना, ये इस तरह के आप दोने बना लो, ये कटोरे कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो। इसमें एक चीज़ और खासियत है, इसमें आप केवल यही ये नहीं बना सकते हो, केवल माइका ही नहीं, इसमें आप A to Z का मतलब आप सिल्वर बना लो, आप केला पत्ता मटेरियल लगा लो, आप कोई सा मटेरियल चला लो, सारी चीज़ें इसी मशीन में बनेगी। तो दोस्तों, जल्दी से मैं पहले आपको डिस्पोजल का काम दिखा देता हूँ, उसके बाद हवाई चप्पल में आते हैं, उसके बाद मैं आपको इसी में स्क्रबर पैकिंग जूना पैकिंग का काम भी इसी मशीन में करके दिखाऊंगा। 125,000 की मशीन की कॉस्ट है, 125,000 में आप आज आप घर बैठे तीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये तीन बिजनेस वो है, पहले लोगों को तीन बिजनेस लगाने के लिए आराम से 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, अलग अलग मशीनें लेनी पड़ती थी, चप्पल की अलग ले लेते थे, डिस्पोजल की अलग लेते थे, जूना पैकेजिंग की अलग। अब आपने केवल एक मशीन लेनी है, एक ही मशीन में आपका सारा काम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये मशीन है, ये मशीन का मैंने सबसे पहले इसका ब्लोअर ऑन कर दिया, मशीन अब चालू मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इसका हीटिंग सिस्टम ऑन कर दिया, ये मैंने मशीन ऑन करी, ये चीज़ आप देखेंगे किस तरीके से मशीन हमारी ऑपरेट हो रही है, बहुत ईजी तरीके से इसका देखेंगे काम हो रहा है, बहुत आराम से मशीन अपना काम कर रही है, ये देखिएगा ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक तरीके से मशीन अपने इस तरीके से प्रोडक्ट बिल्कुल
हैवी प्रोडक्ट निकालेंगे, आप देखेंगे बहुत हैवी प्रोडक्ट रहता है, आप इसको पकड़ के बहुत आराम से इस चीज़ को खा सकते हैं। तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, बहुत छोटी मशीन घर के छोटे से एरिया में आ जाएगी। इस कॉम्पैक्ट मशीन होने की वजह से इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, 1,25,000 रुपये इसलिए लगा दी क्योंकि पूरी मशीन को हमने सेंसर में बांध रखा है। इसमें एक लिमिट स्विच है, अप डाउन का सेंसर अलग है, अप का सेंसर अलग है, डाउन का सेंसर अलग है, तो ये सारी चीज़ें इस मशीन में ध्यान में रखते हुए चीज़ें कर रखी है। आप देखेंगे मैंने जब से मशीन चल रही है, मशीन को मैंने हाथ भी नहीं लगा रखा है, ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बनते हुए दिखा दी, अगर आप इसकी डिजाइन चेंज करेंगे, आप इसकी जगह पर प्लेट की लगा दो, कटोरी की लगा दो, जो आप लगाएंगे वो बन जाएगा। और रही बात रॉ मटेरियल की, तो आपको मैं दिखाता हूँ, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत तरह का रहता है, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास। ये आपको रोल सभी तरह के रोल मिल जाएंगे, वो भी मेरे पास रखा हुआ है, बड़े बड़े ये रोल की लाइन लगी हुई है। तो इस टाइम पे आपको रॉ मटेरियल भी, हर तरह का रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी से आपको ये चीज़ें मैंने दिखाने के बाद आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मशीन अपना काम करती है। अभी आप बस आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैं अभी मशीन ऑफ कर रहा हूँ, और ऑफ करने के बाद मैंने मशीन को रोक दिया। अब मैं आपको हवाई चप्पल की इसमें मशीन कैसे चलती है, हवाई चप्पल की डाई आपको लगा के देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि हवाई चप्पल के बाद, उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि डिस्पोजल की मशीन बनने के बाद हवाई चप्पल की डाई लगाई जाती है, तो मैंने इसमें ये हवाई चप्पल की डाई अभी मैंने फिट करी है। मैं आपको जैसे पहले इसमें डिस्पोजल की डाई लगी थी, फिर अभी हवाई चप्पल की डाई लगी हुई है। तो आप मशीन आप देखेंगे सेम मशीन है, वही पीछे आप देखो दो रोल रखे हुए हैं, जैसे रोल पहले रखे हुए थे वही दो रोल रखे हुए। अभी मैंने यहाँ से पेपर अपना फाड़ के ही अलग कर दिया, पेपर फाड़ने के बाद फिर मैंने अब इसमें हवाई चप्पल की डाई लगा दी है। हवाई चप्पल की डाई लगाने से क्या हुआ कि इसमें अब चप्पल की डाई लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि इस मशीन में कैसे स्लीपर बनते हैं। तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हो इस तरह की जो भी स्लीपर है, चाहे आप लेडीज ले लो, जेंट्स ले लो, कुछ भी लो, तो ये सब स्लीपर भी आप इसी मशीन में बनाओगे। तो मैंने आपको दिखाए थे कि जो इस तरह के डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल भी इसी मशीन में बन रहा है, और अब आपको ये हवाई चप्पल भी मैं इसी मशीन में बना के दिखाऊंगा। ये डाई है, यहाँ से बोल्ट आपको खोलना है, ये बोल्ट उतार के, इस बोल्ट को आपने खोला, ये डाई उतर के आप अलग रख दोगे, और दूसरी वाली डाई जो है वो डाई हमने यहाँ पर लगा दी होगी। इससे पहले जो मैंने इसमें डाई लगाई थी वो डाई इसमें आपको ये डाई लगी हुई थी, आपने देखा होगा ये डिस्पोजल की डाई लगी थी। इस डाई को मैंने उतार के यहाँ से इस बोल्ट को खोल के इसमें मैंने नई डाई फिट कर दी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों हवाई चप्पल कैसे बनती है। ये एक हवाई की शीट है, और उसके बाद जो क्या है कि इसमें आप देखेंगे मैं ये शीट लगा के मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और इसमें स्लीपर काट रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हो कि एक ही मशीन के अंदर इस टाइम पर आप कम्प्लीटली पूरा सेटअप आप बना सकते हो केवल एक मशीन की वजह से। तो मशीन आपकी एक रहेगी और सेटअप आपके, आप इसमें देखेंगे कि आपका सेटअप कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये मैंने मशीन ऑन कर दी है, ऑन करने के बाद ये देखिए मैं मशीन को डाउन कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे। तो उसके बाद केवल इतने से ही पुशअप में ये चीज मशीन आपकी, ये स्लीपर हमारी कट के पूरी अलग हो जाती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से ये स्लीपर हमारी अलग रहती है, ये आप देखेंगे ये पूरी स्लीपर मेरी कट के अलग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही बेहतरीन जो स्लीपर है, ये जो भी स्लीपर आप देखेंगे इस तरह की स्लीपर भी आप इसी मशीन से आप काट सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से काम होता है करके। आप ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये डिस्पोजल के आइटम है, सभी तरह के डिस्पोजल के बाद मैंने इसमें आपको स्लीपर बना के दिखाई, वो स्लीपर के बाद जैसे स्लीपर की स्टेप फिटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, ये आपको इस तरह की एक टेबल रहती है, इस टेबल के थ्रू आप इस तरह की स्टेप फिटिंग कर सकते हो। जैसे इसमें फीता लगा हुआ है, इस फीते से आप फिटिंग कर सकते हो, फीता फिटिंग भी कर सकते हो। साथ में आपको एक ऐसा ड्रिल ग्राइंडर रहता है, और ये उसके बाद जो इस ड्रिल ग्राइंडर से आप फिनिशिंग वगैरह कर सकते हो सारी चीज़ें। तो दोस्तों मशीन आपने कभी भी लेनी हो, 3-in-1, 3-in-1 का मतलब है कि आप इसमें डिस्पोजल बना लो, आप इसमें दोना पत्तल बना लो, चाहे आप इसमें हवाई चप्पल बनाओ, चाहे आप स्क्रबर पैकिंग। अब दोस्तों मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाने जाता हूँ कि स्क्रबर पैकिंग का कैसे होता है करके। स्क्रबर पैकिंग में क्या होता है दोस्तों, इस तरह का जो भी आपने स्क्रबर देखा होगा मार्केट में, ये स्टील जूना आता है, ये इसकी डाई है स्टील की, ये स्क्रबर की इस तरह की डाई आती है, और इस तरह के इसके ब्लिस्टर कप आते हैं। आपको मार्केट से क्या लेना है, ये कप लेना है जो आपको बहुत सस्ते दाम में मिल जाते हैं, 150 रुपये किलो, 1 kg में 1000 कप चढ़ते हैं, और ऐसे ये जूना रहता है 155-160 स्टील जूना, GI दोनों ब्रांड के आते हैं। तो स्टील जूना इस टाइम पर मार्केट में 160 रुपये किलो आराम से मिल रहा है, 10 ग्राम का एक पीस होता है। एक पीस को अगर आपने क्या करना है कि एक पीस जो है अगर 160 रुपये किलो आपने लिया है, तो आपका जो एक पीस है वो 1.60 रुपये का हो गया। 1.60 रुपये का ये होता है, 50 पैसे के समथिंग इसकी कॉस्ट आती है, और 50 पैसे के समथिंग आपका इसके बाहर से जो कवर आता है, वैसे तो ये 4 रुपये का है, लेकिन
एक के हिसाब से इसमें 50 पैसे की कॉस्ट आती है। तो जो आपका कंप्लीट जूना है 2.5 से 3 रुपए में आपका जूना तैयार हो जाता है, जो रिटेल में मार्केट में बहुत आराम से 10 रुपए का बिक सकता है। तो दोस्तों इस तरह की पेपर की शीट आती है, तो इस तरीके से आप ये जूना पैकेजिंग का काम भी इस मशीन में कर सकते हैं। घरेलू उद्योग में आपका जैसे सीजन डाउन है, डिस्पोजल का सीजन डाउन है तो आप जूना पैकेजिंग शुरू करो, जूना पैकेजिंग का डाउन है तो आप चप्पल करो, तीनों आपके पास ऑप्शन में है। तीन उद्योग केवल एक मशीन से, 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसी में आपका सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कैसे आप इसमें जूना पैकेजिंग का काम कर सकते हो। जूना पैकेजिंग का प्रोसेस आप जल्दी से समझिए। ये मेरी एक वुडन की डाई है, इस डाई को आप देखेंगे इस तरीके से। आपने क्या करना है, इस तरीके से जूना होगा मेरे पास यहाँ पर रखा नहीं, अंदर गोदाम में पड़ा है, तो इस तरह का जूना आप इसमें एक डाई प्लेट में आप रख के इस तरीके से रख सकते हैं। रखने के बाद इसमें इस तरह की शीट आती है, जैसे आप ये शीट देखेंगे, इस शीट को मैंने ऐसे रख दिया, इस शीट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रख दिया। शीट रखने के बाद आप देखेंगे कि इसको इसके अंदर फिट करा जाता है। तो जल्दी से मैं इसकी जो डाई में मेरी वुडन पैकिंग थी इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से आप सारे तरीके के काम को आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मशीन आपकी केवल एक ऑपरेट होगी, अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने ये कैसे इस तरीके से मैंने इसमें केवल कुछ नहीं कर रखा। आप ध्यान देंगे तो ये रखा हुआ है, इसके नीचे डाई में मैंने मसाला रखा, और ये पैक कैसे कितने आसानी से पैक होता है ये आप देखेंगे। इस तरीके से मैंने ये रखा है, तो ये मैंने इसके नीचे बहुत बेहतरीन तरीके से इसके नीचे डाल दिया है, तो जिससे क्या होगा कि इसमें पैकेजिंग का काम बहुत आराम से आप पैकेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई भी आइडिया है तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को, इस काम को शुरू कर सकते हैं बिना किसी झिझक के और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। ये मैंने मशीन ऑन करी तो आप देखेंगे कितने आसानी से ये काम आपका हो सकता है। ये देखेंगे मैंने इसे डाउन करा, ये डाउन हो गया केवल 5 से 6 सेकंड के अंदर। 5 से 6 सेकंड के अंदर जब इसे प्रेस कर रखा है इस चीज़ को, 5 से 6 सेकंड लेगा आपका पूरा मटेरियल जो है, मटेरियल को पूरा ये सील करके रखता है। तो मैंने ये अप कर दिया, जैसे आप ये देखेंगे कि कितने आसान तरीके से ये हमारा माल, आप दिखाता हूँ आपको मैंने ये क्या करा। आप इसमें देखेंगे ये पत्ता कितना खूबसूरत तरीके से ये देखो पैक हो गया, तो बहुत खूबसूरती से आप देखेंगे पूरी सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखेंगे इसमें जूना पैक हो गया इस तरीके से, इसके ब्लिस्टर के अलग अलग कप, एक सीट में आपके 13 जूना आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जूने को जब शुरुआत करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि 1,25,000 की आज ही आप मशीन लेंगे, 3 उद्योग आप इसमें जोड़ लेंगे, हवाई चप्पल और माइका का जितना भी आइटम है सारे माइका बना लेंगे, साथ में जूना पैकेजिंग। तो 3 मशीन के लिए केवल एक ही इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत तरीके से पैक कर रखा है, कोई भी कप आपका हिलेगा नहीं, ये पूरी प्रॉपर सीलिंग हो रखी है। ये केवल इसी वजह से हो रही है, इस मशीन के प्रेशर की वजह से। ये मशीन केवल हम लोग ही डिजाइन करते हैं, यहाँ पे डिजाइन करने का ये है कि इसमें हैवी प्रेशर लगाते हैं, गोदरेज की 2 HP का मोटर रहता है, केवल उसी की वजह से ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हो पाती है। तो आपको मैं एक चीज़ और हो सकता है, ये आप जूना पैकेजिंग कर रहे हैं साथ में आप इनके अंदर ड्राई फ्रूट पैक करके भेजो, इसमें आप स्क्वायर बॉक्स बना के आप उसमें ड्राई फ्रूट पैक कर सकते हो, मसाले पैक कर सकते हो। तो पैकेजिंग का टोटल काम यही मशीन करती है, आपका पैकेजिंग है, डिस्पोजल मेकिंग है, स्लीपर मेकिंग है, तो तीनों काम के लिए यही मशीन है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ अब रॉ मटेरियल की, तो आप रॉ मटेरियल आपको मैं हर बार जैसे बताता हूँ, मेरे पास हवाई चप्पल का सभी तरह का मटेरियल है, सीटें मेरे पास बहुत स्टॉक में रहती है हवाई चप्पल की, और उसके बाद पेपर का रॉ मटेरियल आपने देखा है किस तरीके से हमारे पास पेपर का सारा रॉ मटेरियल रहता है। और जिस तरीके से आप कभी भी आप इस तरीके का अगर आपको संपर्क करना है हम लोगों से मटेरियल के लिए, चाहे रॉ मटेरियल के लिए आपने संपर्क करना है, तो आप उस चीज़ को हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप ये देखेंगे रॉ मटेरियल हमारे पास इस टाइम पर बहुत रहता है, पेपर के रोल, माइका जो सनमाइका के पेपर रोल है, एक टाइम पे कम से कम 8 से 10 टन पेपर हमारे पास स्टॉक रहेगा। ये इस तरह का अलग अलग कलर का पेपर आता है, ग्रे कलर है, डार्क ग्रे है, प्लेन में है, तो हर तरह का आपको माइका का पेपर मिलेगा। तो दोस्तों मेरा नंबर आज ही नोट कीजिए, अभी नंबर नोट कीजिए 9412962702 9412962702 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी मेरे को फ़ोन करके इस मशीन की इंक्वायरी ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, आपकी सुविधा के लिए आप यहाँ पर वीडियो कॉल करके देखना चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं। तो हमारा पता जो है उत्तर प्रदेश बरेली पड़ता है, बरेली से मात्र 1 घंटे का रास्ता रुद्रपुर, ये इंडस्ट्रियल एरिया सिटकुल के अंदर आता है, तो रुद्रपुर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, उत्तराखंड रुद्रपुर में। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अपनी नई वीडियो में कुछ नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद।